दोस्तों आजकल बॉडी बनाना एक आम बात हो गई है, खासकर बॉडी बिल्डरों के लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कई पैंतरे अपनाने पड़ते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी को विशालकाय हल्क की तरह बनाने के लिए किसी भी तरह की दवाइयों का यूज करते हैं, जिससे उनकी बॉडी पर कई तरह का साइड इफेक्ट भी हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको बॉडी बिल्डिंग में होने वाले साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे, जो अक्सर ही बॉडी बिल्डर दवाइयां लेकर कर देते हैं और इस वजह से उनकी मौत तक हो जाती है। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। रिच पयाना अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी गिरामी बॉडी बिल्डर थे और सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद हजारों लाखों में है, लेकिन कुछ दिनों पहले वो अपने घर में बेहोश पाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहतरीन बॉडी बिल्डर पहले तो 2 सप्ताह तक कोमा में रहा और 2 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत की वजह थी स्टेरॉइड, एक ऐसी दवाई या फिर कहें एक ऐसी खतरनाक जानलेवा दवाई जिसे आज के युवा तेजी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये दवाई होती क्या है और ये काम कैसे करती है। दरअसल स्टेरॉइड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हर इंसान के शरीर के अंदर बनता है, जिसका काम होता है हमारी मांसपेशियों को बढ़ाना और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को ग्रोथ करना। आज के युवा अपनी मांसपेशियों को बढ़ाकर अपने आप को बॉडी बिल्डर बना देना चाहते हैं। यही वजह है कि साल 1930 में कुछ डॉक्टरों की टीम ने मैन मेड स्टेरॉइड का आविष्कार किया, जिसका नाम था एम्बोलिक एड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जिसके बाद उसी वक्त से बॉडी बिल्डर और बॉडी बिल्डर बनने की चाहत रखने कुछ वाले लोग इस दवाई का सेवन करना शुरू कर दिया। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने में पहले 5 से 6 साल का वक्त लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी बॉडी महज 8 से 10 महीने में ही बनाई जा सकती है। लेकिन अफसोस कि उनकी जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर आज जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी जान ले रहा है। दरअसल स्टेरॉइड के नाम पर बाजार में कई खतरनाक दवाएं मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाई उन्हें अंदर से खोखला कर देती है। दरअसल सुंदर शरीर और तगड़ी बॉडी बनाने के चक्कर में आज के युवा मेहनत करने के बजाय अननेचुरल तरीकों से और ढेर सारे इंजेक्शन या फिर दवाइयां लेकर बहुत तेजी के साथ बॉडी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे आप नर्सरी के बच्चे को क्लास 6 का सिलेबस पढ़ा रहे हो। लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को जिम से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक का सफर करना पड़ सकता है। लेकिन वही बात अगर इस दवाई से होने वाले नुकसान की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दवाई हमारे शरीर को ऐसा नुकसान देता है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे मुख्य काम हमारा लिवर और किडनी का होता है, लेकिन स्टेरॉइड हमारे मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लिवर और किडनी पर ही हमला करता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से तो मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते जाते हैं। दूसरी समस्या ये है कि जब स्टेरॉइड लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है। इस बीमारी में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे मैन बूब्स का रूप ले लेते हैं, जिसको गायनोकमेस्टिया भी कहा जाता है। आपने कई मेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनकी चेस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है। स्टेरॉइड लेने पर जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये कि इस दवाई का इस्तेमाल करने वालों को दिल की बीमारी होने का खतरा बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। स्टेरॉइड हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा या फिर हार्ट स्ट्रोक उन लोगों के लिए आम बात बन जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको स्टेरॉइड से जुड़ी और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।